बहके बहके अंदाज दिखाऊं, उसकी गलियों से गुजर जाऊं, मजा और है। बात कह के तो कोई भी समझ लेता है, मैं कुछ भी ना बोलूं और फिर भी वो समझ जाए तो मजा और है। याद करे किसी और को और याद, फिर भी मैं आऊं तो मजा और है। वो लाख बुलाए मुझे ख्वाब में, फिर भी मैं ही आऊं तो मजा और है। उसने अभी तक मुझे ब्लॉक कर रखा है, अभी तक भी। आज इतने दिन हो गए उससे बात किए हुए, अभी तक भी मैं ब्लॉक हूँ। वो रह पाता होगा मेरे बिना? क्या उसका मन लगता होगा मेरे बिना? जैसे मैं उसे सारा का सारा दिन याद करती हूँ, क्या वो मुझे भूल गया होगा? इतने सालों का रिश्ता इतने से दिन में पूरा भी हो गया होगा? वो कहते हैं ना, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, चाहे दिखाई ना दे मगर महसूस जरूर होता है। पर मेरी एक बात ने इतने सालों की मेरी प्रीत पर पानी फेर दिया। बात ये नहीं कि गलती मेरी थी या गलती उसकी थी, बस बात इतनी सी है कि वो अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन प्यार तो अब भी है उसे, बस फर्क इतना है कि मुझसे नहीं। होता है ना ऐसा हमारे साथ भी? कितनी कॉमन सी बातें हैं ये, और हम कितने डिप्रेस हो जाते हैं ना उस एक व्यक्ति के उस छोटे से एक्शन से। तो इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए ना किसी को भी अपने आप को इफेक्टेड नहीं करने देना है। फिर से आपका जवाब आएगा, हम उससे प्यार जो करते हैं, उसकी केयर जो करते हैं, उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए वो इफेक्ट करता है हमें। और हम उससे लड़ते भी उसी की अच्छाई के लिए हैं। जो उसे सही लग रहा है वास्तव में वो गलत है। जब उसे ये बताया तो वो रूठ गया हमसे, और तो और चला भी गया हमसे दूर ब्लॉक करके। काश फुर्सत में उन्हें भी ये ख्याल आ जाए कि कोई याद करता है उन्हें जिंदगी की तरह। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत सुंदर जोड़ा था, वीनू मीनू का। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ रहना, मस्ती करना, बातें करना, पढ़ाई, जॉब, सब साथ साथ। दोनों का मैचिंग इतना परफेक्ट था। वैसे तो हर एक में कमियां होती हैं, पर उनमें क्या क्वालिटी थी पता है? उनमें एक की कमी दूसरे की खूबी बन गई थी। उसी समय पर विनू की नौकरी लगी दूसरे शहर में, दूसरे शहर की बड़ी माया, मल्टीप्लेक्स सिटी की चमक धमक, सब कुछ नया था। नई नई लड़कियां, नाइट पार्टीज, सब कुछ नया। शुरू शुरू में वो मीनू को सब बताता, फिर मीनू उसे समझाती, मीनू ये तेरे लिए गलत है, तू इन सब में मत पड़, इससे तेरी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो जाएगी। पर मीनू उसे ये चमक धमक बहुत पसंद थी। अब वो धीरे धीरे मीनू से बात कम करने लगा। काम बिना की कोई बात वो मीनू से करना ही नहीं चाहता था। खुद सारा का सारा दिन ऑनलाइन रहता पर मीनू के मैसेज का जवाब ही नहीं देता। धीरे धीरे ड्रिंक करने लगा, स्मोकिंग करने लगा, और हर प्रकार की बुरी संगत धीरे धीरे उसे आ गई। मीनू भी कहां कम थी, वो अपने दोस्त को बचा के ले आना चाहती थी। उसने डिसाइड किया कि अपने दोस्त को निकाल लाएगी इन सब से। तो फिर पहुंच गई एक दिन वहां पर देखकर दंग रह गई। अब वो पहले वाला विनो नहीं रहा। उसने बहुत जिद की तो विनो ने कर दिया उसे ब्लॉक और कह दिया, चले जाओ मेरी जिंदगी से। टप 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 आंसू टपकते रहे। वो बस सामने इतना सा कह पाई, तुम सोच भी नहीं सकते विनो, हम कितना सोचते हैं तुम्हें। अब मीनू उदास सी, बेजान, परेशान सी, सारा का सारा दिन बस उसे सोचती रहती, उसकी एक एक बात को याद करती,
क्या किया था उसने? सिर्फ वो अपने मीनू को निकालना चाहती थी ना उस बुरी संगत से। और विनू, विनू ने उस बुरी संगत को नहीं छोड़ा, उससे छोड़ दिया। भीगी हुई आंखों से बस अपनी गलती ढूंढती रही। क्या उसे सही गलत बताना गलत था? क्या बुरे संग से विनू को बचाना गलत था? या फिर वो गलत इंसान से प्यार कर बैठी थी? यही सोचती रहती थी। क्या तूने मुझे चाहा नहीं था? क्या तूने मुझे अपना बनाया नहीं था? तो क्यों आज मेरा अकेले कल दिल टूटा है? क्या तूने दिल लगाया ही नहीं था? इतने सारे सवाल थे और जवाब कोई नहीं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है ना, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे सबसे सारी बुरी बातों से बचाना चाहते हैं, वही हमें गलत समझता हो। वो हमें अपना दुश्मन समझ बैठता है। अनजाने में उसे लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, हमारे बिना उसका काम नहीं चल सकता, या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पर क्या सचमुच हकीकत ये होती है? क्यों परेशान से बैठे हो? क्यों नींद नहीं आंखों में? क्यों परेशान से बैठे हो? क्यों नींद नहीं आंखों में? क्या हम फिर से आने लगे हैं ख्याल? सच कहूं, कह दूं सच, किसी का भी कोई भी काम किसी के बिना नहीं रुकता। बस हम उसकी केयर करते हैं, और पता है, रिलेशन को बचाने के लिए इतना झुक जाते हैं ना उसके आगे कि और कुछ भी नहीं सोचता। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सब कुछ छोड़कर बस सिर्फ उसे वापस ले आना चाहते हैं अपने पास। और वो फिर भी चला जाता है हमें छोड़कर। एक सन्नाटा दबे पांव गया हो जैसे, दिल से एक खौफ सा गुजरा है बिछड़ जाने का। तो क्या करें, कैसे मनाएं उसे, कैसे वापस ले आएं उसे, कैसे? क्या वापस लाना है? नहीं लाना है, उसे वापस लाना ही नहीं है, मनाना भी नहीं है। क्योंकि अगर जहाज एक तरफ झुक जाएगा तो अंत में वो डूबेगा ही। अपने आप से पूछो, क्या उसे भी जरूरत है तुम्हारी? अगर हाँ तो वो आएगा खुद, और अगर नहीं तो अपने आप को दुखी करना बंद करो। बंद करो किसी की राह देखना, किसी का इंतजार करना। क्योंकि जो अपना पंछी है वो शायद शाम तक आ ही जाएगा, और जिन्हें हमारा दिल पिंजरा लगता है उन्हें तो जाना ही था। अच्छा है दिल इतना ही दुखी हुआ, दर्द इतना ही हुआ। अब खुश हो जाओ, फिर से आंखें खोलो, फिर से नया सवेरा देखो। अब अंत में चलते चलते, दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, दिले बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लूटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है, तू अगर मुझसे खफा है तो छुपाता क्यों है, आंख से आंख मिला यूं आंख चुराता क्यों है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करना है, और अपने अपने डियरेस्ट वन को शेयर भी करना है। थैंक यू।